ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्रीमद् भगवत गीता श्री भगवान उवाच। आज हम आठवां अध्याय लेंगे, श्लोक 5, 6, 7 और 8। पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात वो कहते हैं, जो अंत्यकाल में मेरा ही स्मरण करते हुए देह छोड़ता है वो मेरा ही स्वरूप प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं, वो मेरे ही स्वरूप में विलीन हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब छठे श्लोक में वो कहते हैं, यं वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे अर्जुन, अंत्यकाल में वो जिस जिस स्वरूप का स्मरण करते हुए देह छोड़ता है उसे ही जाकर मिलता है, क्योंकि वह उसी स्वरूप में मग्न था। अब सातवें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। अर्थात वो कहते हैं, इसीलिए तू सर्व काल में मेरा ही स्मरण कर और युद्ध कर, मन और बुद्धि मुझ में ही अर्पण करो तो युद्ध करते हुए भी तू मुझे ही आकर मिलेगा, मेरे ही चरणों में आश्रय मिलेगा। आठवें श्लोक में भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अर्थात हे पार्थ, अभ्यास की मदद से अपना चित्त स्थिर रखते हुए दिव्य पुरुष का निरंतर चिंतन करने से मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।